तो हमने देखा कि किस प्रकार दूसरी रीति से हम बहुत आसानी से प्लस और माइनस के नियमों को फॉलो करते हुए बैंक समाधान विवरण तैयार कर लेते हैं। अब एक मेथड पर हम और ध्यान दें, तीसरा मेथड हम इसको कह सकते हैं। क्या होता है कि कई बार रोकड़ पुस्तक और पासबुक दोनों दे दी जाती है और उसमें जो अंतर होता है उस अंतर को देखते हुए फिर हमको बैंक समाधान विवरण बनाना होता है। यहाँ पर भी दो तरह की दशाएं बनती है। एक दशा वो जबकि एक ही अवधि दी हो, यानी कि रोकड़ पुस्तक और पासबुक जो है वो एक ही अवधि का हो, तो इस कंडीशन में हम किन किन नियमों को फॉलो करेंगे। यहाँ हमको सबसे पहले दोनों का मिलान करना है, ये देखना है कि कुछ प्रविष्टियाँ जो एक खाते में तो की गई हैं लेकिन दूसरे खाते में नहीं की गई हैं। जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो हम देखेंगे कि दो खाते हमारे सामने होंगे, रोकड़ पुस्तक और पासबुक। कुछ प्रविष्टियाँ ऐसी होंगी जो रोकड़ पुस्तक में होंगी, पासबुक में नहीं होंगी। उन प्रविष्टियों को छांट कर हमको अलग कर लेना है और फिर समायोजन के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हुए हमको बैंक समाधान विवरण बनाना है। आइए इससे संबंधित एक क्रियात्मक प्रश्न को देखते हैं ताकि ये जो मेथड है वो हमको और अच्छे से समझ में आए। रमेश के रोकड़ बही के बैंक खाते का अंश और उसकी पासबुक का अंश दिया हुआ है। इन दोनों की सहायता से 31 मार्च 2000 को बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कीजिए। रोकड़ बही का बैंक वाला खाता, डेबिट साइड में वर्ष 2005 जून 1 शेष लाया गया 2000, 5 जून मोहन से 1600, 7 जून सुरेश से 250, 16 जून रमेश से 1800, 25 जून दिनेश से 800, 29 जून नारायण से 250, 23 जून राम से 500। क्रेडिट साइड में वर्ष 2005 में 2 जून आरन को 800, 6 जून नरेश को 1000, 14 जून सुशील को 1500, 17 जून सुधीर को 2000, 27 जून सुभाष को 700, 29 जून गणेश को 200, 30 जून शेष ले गया 1000, टोटल 7200। बैंक पासबुक रमेश का बैंक के साथ वर्ष 2006 2 जून डेबिट साइड आहरण से 800, 8 जून नरेश से 1000, 17 जून सुशील से 1500, 28 जून वह से 150, 30 जून शेष ले गया 2400। वर्ष 2006 क्रेडिट साइड 1 जून शेष लाया गया 2000, 7 जून मोहन को 1600, 10 जून सुरेश को 250, 19 जून रमेश को 1800, 30 जून ब्याज को 200, टोटल 5850। इस प्रश्न में दो तरह के विवरण दिए गए हैं, जिसमें पहला जो है वो रोकड़ बही का है और दूसरा जो है वो बैंक पासबुक का विवरण दिया गया है। जिस प्रकार हमने देखा कि इस तरह के प्रश्नों में जबकि दो विवरण अलग अलग दिए गए होते हैं, सबसे पहले वहां पर हम डेट देखते हैं, मंथ देखते हैं कि ये जो दोनों विवरण है क्या वो एक ही मंथ के हैं या फिर दूसरा जो विवरण है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो दूसरा जो विवरण है वो किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन नहीं है, दोनों ही विवरण जो है वो जून 2005-06 के लिए है। तो यहाँ पर हम उन प्रविष्टियों को छांट लेंगे जो एक खाते में तो दी गई है लेकिन दूसरे खाते में जिनकी प्रविष्टि नहीं की गई है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो शेष है रोकड़ बही का वो है 1000, जिसको कि अब हम जब बैंक समाधान विवरण बनाएंगे तो फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे और फिर अब इसी को बेस मानते हुए हम इसमें प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब रोकड़ बही का बैंक वाला खाता हम देखते हैं तो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो कि बैंक पासबुक वाले खाता में नहीं दिए गए हैं।
जैसे कि सुधीर को 2000, सुभाष को 700 और गणेश को 200। तो ये तीनों ही पॉइंट जो होंगे वो जोड़िए के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि हमने इसके नियम के अंतर्गत देखा। तो यहाँ पर हम जोड़िए के कॉलम में, ऐड के कॉलम में हम तीन पॉइंट लिखेंगे, सुधीर 2000, सुभाष 700 और गणेश 200। और इसका जो टोटल है उसको हम अमाउंट कॉलम में, इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2900। अब ऐसे ही माइनस के लिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोकड़ बही का जो बैंक वाला खाता है उसमें 25 जून दिनेश, 29 जून नारायण और 30 जून राम सिंह। तो ये तीन जो पॉइंट है वो बैंक पासबुक वाला जो रमेश का बैंक खाता है उसमें ये नहीं दिए गए हैं, तो इनको हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे लेस साइड में आ जाएगा, लेस में तीन पॉइंट आ जाएंगे, दिनेश 800, नारायण 250 और राम 500। और इनका जो टोटल है 1550, वो हमारा इनर अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 1550। अब साथ में यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस अगर दिए गए हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक एक्सपेंस यहाँ पर है ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो बैंक कॉलम में दिया गया है लेकिन कैश में नहीं दिया गया है, तो ये प्लस का पॉइंट है, प्लस में आ जाएगा। तो ऐड कॉलम में हम एक पॉइंट और लिखेंगे इंटरेस्ट, और इनर अमाउंट कॉलम में 200 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। अब हमारा जो इनर अमाउंट कॉलम है वो टोटल उसका हो जाता है 4100, जिसको हम फाइनल अमाउंट में लिख लेंगे 4100। और जब हम इसको 1000 जो बेस अमाउंट थी हमारी रोकड़ भाई का शेष जो था डेबिट शेष, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और 4100 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और इसमें से अब हम माइनस के जो पॉइंट्स हैं जिसमें 1550 है, और एक चीज यहाँ पर और आ जाएगी जो कि 28 जून का एक व्यय यहाँ पर दिया गया है जो कि कैश बुक में नहीं दिया गया है। तो ये माइनस हो जाएगा ये पॉइंट, और माइनस में हम यहाँ पर लिख लेंगे व्यय से एक्सपेंसेस 150, और टोटल जो इसकी अमाउंट है वो हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। और 4100 में से इन दोनों अमाउंट को जब हम घटा देंगे तो 2400 की हमको अमाउंट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी जो कि पासबुक के अनुसार शेष कहलाएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार दोनों पुस्तकों के शेष के अंतर के आधार पर हम बहुत आसानी से बैंक समाधान विवरण तैयार कर लेते हैं। दूसरी विधि पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न अवधि की दशा बनती है, यानी कि रोकड़ पुस्तक जो है वो अलग मंथ की है, अलग ईयर की है, और पासबुक जो है वो अलग वर्ष का है, उसमें ईयर जो है वो चेंज दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो शेष दोनों पुस्तकों में दिए गए हैं उनमें से उन शेष को छांटते हैं जो दोनों में है, दोनों ही पुस्तकों में जो दिए गए हैं, और उसके बाद उनको जब हम छांट कर अलग कर लेते हैं तो समायोजन के नियमों को लगाकर फिर हम बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। आइए देखें कि भिन्न भिन्न अवधि की दशा में किस प्रकार से बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। रमेश के रोकड़ बही के बैंक खाते का अंश और उसकी पासबुक अंश दिया हुआ है। इन दोनों की सहायता से 31 मार्च 2000 को बैंक समाधान विवरण पत्र बनाइए। रोकड़ बही का बैंक खाता वर्ष 2000 मार्च 1 डेबिट साइड में है, शेष लाया गया टू बैलेंस बीडी 2500, 7th मार्च टू मोहन, मोहन से 3000, 10th मार्च सोहन से टू सोहन 2000, 15th मार्च राजेश से टू राजेश 18000, 24th मार्च सुधीर से टू सुधीर 3200, 30th मार्च राम से टू राम 1200। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे वर्ष 2000 के लिए मार्च 3 रमेश को बाय रमेश 14000, 6th मार्च रहीम को बाय रहीम 1400, 11th मार्च धर्म को बाय धर्म 1800, 16th मार्च धीरज को बाय धीरज 900, 22nd मार्च रेखा को बाय रेखा 1500, 31st मार्च शेष लाया गया बाय बैलेंस सीडी 6800। इस कैश बुक का टोटल है 13700। बैंक पासबुक रमेश का बैंक खाता डेबिट साइड में वर्ष 2000 के लिए 5th अप्रैल
धर्म से टू धर्म 1800, 9 अप्रैल, रेखा से टू रेखा 1500, 10 अप्रैल, वेतन से टू सैलरी 1900, 30 अप्रैल, शेष लाया गया टू बैलेंस सीडी 4900। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, ईयर 2000, 1 अप्रैल, शेष लाया गया बाय बैलेंस बीडी 3700। 2 अप्रैल, सोहन से बाय सोहन 2000। 15 अप्रैल, सुधीर को बाय सुधीर 3200। 16 अप्रैल, राम को 1200। इस बैंक पासबुक का टोटल है 10100। इसके अंतर्गत बैंक समाधान विवरण हमें उस कंडीशन में बनाना है जबकि रोकड़ बही और पासबुक की अवधि अलग अलग हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि रोकड़ बही का जो बैंक खाता है वो मार्च के लिए बनाया गया है, लेकिन पासबुक जो है वो अप्रैल के लिए बनाई गई है। और हमने जैसे कि वीडियो में देखा कि अगर इस तरह की कंडीशंस बनती है तो दोनों ही खातों में से हम उन मदों को अलग कर लेंगे जो दोनों ही खातों में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम जब रोकड़ बही का बैंक खाता देख रहे हैं तो उसके क्रेडिट साइड में दो मदें ऐसी हैं जो कि दोनों ही खातों में दी गई हैं, जिसमें एक है धर्म का खाता और दूसरा है रेखा का खाता, जो कि रोकड़ बही के बैंक खाते में भी दिया गया है और पासबुक में भी दिया गया है। तो इसकी अमाउंट को हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारा जो फॉर्मेट होगा उसमें हम जो बेस लिखेंगे वो हो जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक के अनुसार डेबिट शेष 6800, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं रोकड़ बही जो हमारे सामने है क्वेश्चन में उसमें दिया गया है 6800, उसको हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। और ये जो क्रेडिट साइड की दो एंट्रीज हमको दिखाई दे रही हैं, जो कि हमने वीडियो में देखा था रूल कि अगर दोनों में ही हो तो उसको ही हमको छांट कर अलग करना है और फिर उसको हमको ऐड वाले पोर्शन में लिखना है। तो धर्म का अकाउंट 1800 से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और रेखा का जो अकाउंट है वो 1500 से। तो टोटल ये जो अमाउंट हो जाएगी अमाउंट कॉलम में आ जाएगी वो 3300 और फाइनल अमाउंट कॉलम में भी हम उसको 3300 लिख देंगे। दोनों का जो टोटल हो जाता है 6800 का और 3300 का वो हो जाता है 10100। अब डेबिट साइड हम देखते हैं कि क्वेश्चन में डेबिट साइड में कौन कौन से ऐसे मदे हैं जो दोनों ही अकाउंट में दी गई, दोनों ही बुक में दी गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोहन की जो अमाउंट है 2000 वो दोनों में दी गई है, उसके बाद सुधीर की जो अमाउंट है 3200 वो दोनों अकाउंट में दिया गया है और राम का जो अकाउंट है, राम का जो बैलेंस है 1200 वो दोनों अकाउंट में दिया गया है। तो इन तीनों को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम उसको माइनस कर देंगे। माइनस वाले पोर्शन में हम लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, सोहन के अमाउंट है 2000, सुधीर के अमाउंट है 3200 और राम के अमाउंट है 1200, यानी टोटल जो अमाउंट आएगी वो आएगी 6400, जिसको कि हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे 6400। और पहले से यहाँ पर हमारे पास बैलेंस है 10100, उसमें से हम इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो बैलेंस आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का 3700, उसको हम मान लेंगे कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, पासबुक का ये क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 30 जून 2009 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। तो पहला, पासबुक का अधिविकर्ष 1800, दूसरा 8000 रुपए का चेक बैंक में संग्रह हेतु भेजा गया लेकिन उसमें से 400 रुपए की राशि 1 जुलाई तक संग्रहित नहीं हुई थी। तीसरा, 2500 रुपए के चेक ग्राहकों को निर्गमित किए गए किंतु अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। चौथा, बैंक ने 100 रुपए अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया। पांचवा, 400 रुपए सीधे बैंक में जमा किए बही जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेस है, जो आधार है, वो है पासबुक का अधिविकर्ष शेष, जिसकी अमाउंट 1800 है और इसको हम अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। और अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट इसमें प्लस होगी और कौन सी माइनस होगी।
तो एक तो हमको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैलेंसेस पर पासबुक ओवरड्राफ्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको टेबल देखना है कि कौन कौन सी चीजें प्लस हो जाएंगी और कौन सी माइनस हो जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट में 8,000 रुपए का एक चेक संग्रह हेतु भेजा, लेकिन 400 रुपए ही संग्रहित हो पाए। इसका मतलब ये है कि संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और कितने के असंग्रहित? 8,000 में से 4,000 का संग्रहित हो चुका है और 4,000 का संग्रहित नहीं हुआ है। तो केवल 4,000 यानी कि 4,000 की अमाउंट को ही हमको यहाँ पर एंट्री करनी है। और ये अगर हम टेबल में देखें तो संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित उस कंडीशन में, जबकि जो पासबुक है वो अधिविकर्ष दर्शा रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट होता है ये माइनस हो जाता है। तो माइनस वाला जो पोर्शन है वहां पर हम लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और 4,000 की जो अमाउंट है उसको हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2,500 का चेक ग्राहकों को निर्गमित किया गया लेकिन भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। और जबकि पासबुक का अधिविकर्ष शेष हो तो ये जो निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत होते हैं इनकी जो अमाउंट होती है उसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड वाले पोर्शन में लिख देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बैंक ने 100 रुपए अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया है, अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट है और इसपे ब्याज देना पड़ रहा है, तो माइनस हो जाएगा ये, माइनस के अमाउंट आएगी, माइनस के पोर्शन में आएगा, क्योंकि विशेष हमको ध्यान रखना है कि पासबुक के अधिविकर्ष के आधार पर हम ये बैंक समाधान विवरण तैयार कर रहे हैं, तो माइनस वाले पोर्शन में आ जाएगा बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया और 100 रुपीज को हम इनर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट में 400 रुपए सीधे बैंक में जमा किए गए जिनका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया, तो क्योंकि बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई है, अभी तक रोकड़ बही में अमाउंट नहीं लिखी गई है, तो रोकड़ बही में क्योंकि बढ़ाना है इस अमाउंट को लिखना है तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे। और टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम प्लस माइनस के रूल को देखें तो भी हम समझ रहे हैं कि ये प्लस होगा। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा और 400 के अमाउंट को हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे प्लस माइनस के उसकी एंट्री हमने कर ली, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 1800 जो बेसिक अमाउंट है यानी कि पासबुक का अधिविकर्ष है उसमें हम ऐड के दो पॉइंट यानी कि 2500 और 400 यानी 2900 को ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा 4700। और फिर इस टोटल अमाउंट में से हम माइनस के जो पॉइंट है 4100 यानी कि 4100 इसको हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस हमारा आएगा वो 600 आ जाएगा, जिसको कि हम मान लेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि जो हमारा बेस था वो था बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो आंसर जो हमारा बैलेंस जो हमारा आएगा वो बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट होगा। तो बच्चों इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि रोकड़ पुस्तक की तरह पासबुक भी एक व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण विवरण होता है। दूसरी बात कि रोकड़ पुस्तक का जो शेष है वो पासबुक से उसका मिलान होना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि मिली है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि जरूर हुई है। त्रुटियों को पकड़ना, उनको देखना और फिर उनमें सुधार करना, ये सारी चीज़ें किसी भी व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार त्रुटियों को ढूंढ लिया जाता है, क्यों होती हैं त्रुटियां, कारणों पर भी हमने एक नज़र डाली। बैंक समाधान विवरण के आधार पर किस तरह से चार पॉइंट्स के आधार पर यानी कि रोकड़ बही के शेष, डेबिट और क्रेडिट, पासबुक के शेष, डेबिट और क्रेडिट के आधार पर हम बहुत आसानी से इन त्रुटियों को समायोजित करते हुए बैंक समाधान विवरण तैयार कर लेते हैं।